कॉर्पोरेट में अब हम बात करेंगे रेमंड की। मैं क्विकली बता दूं, 1925 में शुरू हुई कंपनी, टेक्सटाइल के अलावा इंजीनियरिंग, एफएमसीजी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी ये कामकाज करती है। कंपनी के पास 600 शहरों में 1500 से ज्यादा स्टोर्स हैं। प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल में रेमंड के अगर स्टॉक को देखें तो निवेशकों को 125% तक से ज्यादा का रिटर्न यहाँ मिला है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड, नए स्टोर्स खोलने का रोड मैप, रियल एस्टेट बिजनेस में क्या प्लान्स हैं, इंजीनियरिंग एफएमसीजी में क्या निवेश के प्लान्स हैं, ये सब चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधे कंपनी के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। अमित, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पहले तो सर, मैं नंबर्स देख रही थी, पीछे बहुत स्ट्रांग दिखा था Q1, Q2 एंड रेस्ट ऑफ FY23 भी इसी लाइन्स पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरीके के ग्रोथ ट्रेंड्स दिख रहे हैं ओवरऑल सर, और डिमांड क्या इंटैक्ट है अभी भी? जी बिल्कुल, थैंक यू हमको अपने चैनल पे लेने के लिए। जैसा मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो हमारा परफॉर्मेंस देखा कोविड के लॉकडाउन के बाद, जैसे ही मार्केट्स खुली है वैसे ही हमने रिकवरी देखनी शुरू की। अगर आप थर्ड क्वार्टर का हमारा परफॉर्मेंस देखें, लास्ट ईयर का, फोर्थ क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का, तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो हमारी डिमांड है वो हर सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है। अगर हम अपने मेन लाइफस्टाइल बिजनेस की बात करें तो लाइफस्टाइल में अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फेस्टिवल दिवाली, दशहरा और उसके बाद शादियों का जो सीजन है, इन सब चीजों में हमारे जो डीलर नेटवर्क हैं उन्होंने बहुत अच्छी डिमांड हमको फोरकास्ट करके दी है, और उस हिसाब से जो हमने प्राइमरी सेल्स करते हैं अपने डीलर नेटवर्क को, वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर बहुत स्ट्रांग था, किंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर हमारे लिए पूरे साल में वीकेस्ट क्वार्टर होता है। तो जब हमने दूसरे क्वार्टर में ऐसी डिलीवरी की है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में और स्ट्रॉन्गर डिलीवरी होगी। एंड ये तो हो गए हमारे लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में बात। जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, रियल एस्टेट भी अगर हम बात करें तो हमारा जो बिजनेस है थाने के अंदर में, जो 1 और 2 BHK और 3 और 4 BHK जो प्रोजेक्ट है फेज 1 का, वो लॉन्च किया है, उसके सामने जो लॉन्च्ड इन्वेंट्री है उसका ऑलमोस्ट 80% हम बेच चुके हैं। और जैसा कि पहले भी बताया है कि हम 900 अपार्टमेंट की डिलीवरी दे रहे हैं रेरा के टाइमलाइन से 2 साल पहले, इस दिसंबर 2022 में, जो कि डिलीवरी मुझे 2024 में देनी थी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी रिकवरी हमने देखी है और डिमांड काफी स्ट्रांग है हमारे सेगमेंट में। ओके, श्योर सर, डिमांड स्ट्रांग है, रिकवरी स्ट्रांग है और बढ़िया नंबर्स भी आप क्वांटिफाई भी कर रहे हैं। क्विकली जानना चाहूंगी आपसे, जो आपने डिमांड की बात की, रूरल अर्बन ट्रेंड्स क्या हैं, अगर वो आप हमें डाइसेक्ट करके बताएं, ज्यादा डिमांड, अच्छे पिकअप और आउटलुक भी रूरल से है कि अर्बन से, या दोनों ही अच्छा मिक्स दिखा रहे हैं? देखिए, जहां तक बताऊंगा कि जो अर्बन है टीयर 1, 2, 3 सिटीज, उसमें ऑब्वियसली डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जहां तक टीयर 4, 5, 6 का सवाल है, उसमें डिमांड है, प्रोग्रेसिव है, बट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की अर्बन में है। क्योंकि सिंपल रीजन है कि अर्बन मार्केट्स में पीपल आर कमिंग बैक, वो लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि कई दिनों से नहीं कर पाए थे, इस तरीके से उस जगह काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है हमको। ओके, श्योर, सो टियर 1, 2 इज ऑफ कोर्स परफॉर्मिंग बेटर, अभी टियर 4, 5 थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड सबड्यूड है, बट आउटलुक कैसा है सर आगे, मतलब आपको लग रहा है फेस्टिव सीजन में एक स्ट्रांग डिमांड बाउंस बैक देख लेंगे इवन इन दीज पार्ट्स ऑफ द कंट्री? एब्सोल्युटली, सो इवन बिकॉज ऑफ द फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन फ्रॉम द अक्टूबर ऑनवर्ड्स, वी एक्सपेक्ट वेरी वेरी स्ट्रांग डिमांड अक्रॉस द कंट्री। ओके, श्योर, बोलिए जी। फुटफॉल सर स्टोर्स में इस वक्त कैसे हैं, क्या आपको लग रहा है इस वक्त फुटफॉल जो पहले प्री कोविड लेवल से सरपास हो गए, या इस फेस्टिव सीजन में वो कर पाएंगे? बिल्कुल, फेस्टिवल सीजन में हम बिल्कुल पूरी तरह से देखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज क्या देखने को मिला है, पहले जो एवरेज टिकट वैल्यू थी उसमें करीब करीब 15 से 17% का इंक्रीज आया है। तो अगर फुटफॉल थोड़ी कम भी रहती है बट हमारा टोटल रेवेन्यू बहुत बढ़ जाता है। बट इवन फुटफॉल में भी हमने अच्छी रिकवरी देखी है एंड वी हैव अचीव क्लोज टू 92 to 93% एज वी स्पीक टुडे। ओके, श्योर, सो वहां पे भी अच्छी रिकवरी आ गई, 94-95% आप बता रहे हैं। ओके सर, ग्रोथ आउटलुक अगर मैं जानना चाहूंगी इस पूरे साल का, रेवेन्यूज और मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन, एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ भी आपको दिख रहा है,
So, do you think it will be a very good year for the company, maybe in a long time, जिस तरह से एंड करेंगे FY23? Absolutely. We reported quarter three as a record year, quarter four a record performance, quarter one again record respective to the earlier quarter, to the earlier years in the same quarter. तो इस तरीके से हम वेरी क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा जो FY23 होगा दिस विल बी ऑल्सो वन ऑफ द रिकॉर्ड ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स मे बी टेंस ऑफ ईयर्स वी वुड नॉट हैव सीन सच अ परफॉर्मेंस. तो क्या सर, क्या टारगेट्स है, क्या ग्रोथ आउटलुक है, अगर रेवेन्यूज और मार्जिन्स की बात करें तो? तो देखिए मैं स्पेसिफिक कोई आउटलुक नहीं देना चाहता ऑन अ नंबर, बट ये बता सकता हूँ कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारे पास्ट में परफॉर्मेंस है, उससे काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. बट सर, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस के प्रेशर थे फॉर सम टाइम, ऑफ कोर्स नाउ भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, दिस इज रूम फॉर मे बी प्राइस हाइक्स एंड करेक्टिंग दैट मार्जिन प्रेशर. आप कैसे देख रहे हैं मार्जिन्स का बैंड क्या होगी जिसमें आपको लगता है एक रीजनेबल मार्जिन्स आपके बाय द एंड ऑफ द ईयर आ जाएंगे? देखिए जहां तक हमारे को रॉ मटेरियल का है, हमारा दो बड़ा रॉ मटेरियल होता है लाइफस्टाइल बिजनेस में, एक होता है वूल और एक होता है कॉटन. वूल का जहां तक सवाल है, वूल का प्राइसेस फ्लैट था. हाउएवर वी हैव बीन एबल बिकॉज ऑफ अवर प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रीच वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑल द वूल एंड फैब्रिक्स. एज फार एज कॉटन इज कंसर्न, इफ यू रियली सी हाउ द कॉटन प्राइसेस हैव मूव्ड अप बाय 100%. However, what actually the raw cotton goes into a shirt fabric which you buy, there the price impact is in the range of 20-21% on the effective selling price, of which we have been able to increase almost 19-20% price increase. So we have not been impacted as a portfolio at all on margin. And that is why if you see in our branded textile, we have been able to deliver 17-18% EBITDA margin in the branded textile business. Similarly, on the apparel business, again, we have been able to recover from the market the increase in the raw material, and we are expecting again 8-10% margin in that business as well. सर, हमने डोमेस्टिक मार्केट की तो बात की, अब मैं थोड़ा सा आपसे एक्सपोर्ट मार्केट्स पर राय लेना चाहूंगी. किस तरीके का डिमांड ट्रैक्शन वहां पर है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं दूसरे मार्केट्स में, तो क्या वहां पर थोड़ा डिप देखेंगे आप? तो जैसा है कि एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हैं, आई थिंक वी हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट दैट आवर ऑर्डर बुक इज टाइड अप टिल फरवरी मार्च, सो वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ अ शॉर्टफॉल इन दैट एक्सपोर्ट मार्केट्स. एंड इफ देर इज अ शॉर्टफॉल, व्हाट वी हैव बीन एबल टू ऑल्सो अचीव, वी हैव गॉट सम न्यू कस्टमर्स एडेड टू अवर कस्टमर लिस्ट, सो दैट इज हेल्पिंग. सो इफ देर इज अ शॉर्टफॉल विथ वन और द अदर कस्टमर, वी आर एबल टू कंफर्टेबली ऑफसेट by adding the new customers, and some of these are very very marquee customers who have come to us who were traditionally going to China and now they have started to come to India. And I think this is a great opportunity for all of us to participate into this China plus one philosophy and take the benefit. So this is really very very good. And again on the domestic market, as I was talking to you, see, we are expanding our stores. So we are planning to increase almost 80-100 stores in India in this year. So that is also going to be a big growth driver for us. 80 से 100 स्टोर्स और आप खोलेंगे डोमेस्टिक मार्केट में. एक्सपोर्ट्स में आप कह रहे हैं कि आपको असर नहीं ज्यादा हुआ है. इनफैक्ट व्हाट्स गुड इज दैट आपकी ऑर्डर बुक फेब्रुअरी तक इंटैक्ट है. क्वांटम क्या होगा सर इस ऑर्डर बुक का, कैन यू शेयर विद अस? एंड आगे कुछ कंसर्न्स हैं फ्रॉम सम मार्केट्स, बिकॉज जिस तरह से ट्रेजेक्ट्री है, क्या फोकस ज्यादा डोमेस्टिक पर रहेगा फिर? नहीं देखिए, डोमेस्टिक हमारा जो बिजनेस है मेन फैब्रिक का अपैरल का, वो डोमेस्टिक लेड बिजनेस है. हमारी जो गारमेंटिंग का बिजनेस है जिसमें बैंगलोर में फैसिलिटीज है, वो हम एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड है. उस फैसिलिटी में हम कोई भी चैलेंज नहीं देख रहे हैं, बिकॉज अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर की शॉर्टफॉल आती है तो वो हमारे पास नए कस्टमर है, रादर हम तो लाइन एक्सपैंड कर रहे हैं अपना बैंगलोर की फैसिलिटीज में टू केटर टू द डिमांड विच इज कमिंग टू ऑन अवर वे. ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और हमें बताने के लिए आगे किस तरीके का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और आउटलुक है कंपनी का. शुक्रिया सर.